बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सेवन स्टार टेक। ये मैंने QGIS ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो ये QGIS का वर्जन मेरे पास जो है वो मैंने इंस्टॉल किया है 3.12। तो इसमें मुझे एक मसला पेश आ रहा है कि ओपन लेयर प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रही और वो हमें सर्च में नज़र भी नहीं आ रही। तो उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी प्लगइन इंस्टॉल ज़रूर होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि वो हमें ओपन लेयर प्लगइन जो है वो नज़र नहीं आती। अमूमन हम देखते हैं कि वेब के अंदर यहाँ पे वो ओपन स्ट्रीट मैप वाला और ओपन लेयर वो हमें प्लगइन नज़र आती है, ये मेटा सर्च के नीचे। तो अभी वो हमें नज़र नहीं आ रही। प्लगइन्स में चलते हैं, मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स। यहाँ पे हम सर्च करते हैं ओपन लेयर, तो ये तो हमें नज़र नहीं आ रही, सर्च नहीं किया उसने। तो अब इसका क्या हल है, चलें देखते हैं इसका हल क्या है जी। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम जाएंगे सेटिंग्स में, गो टू द सेटिंग्स, देन हेयर वी हैव शो आल्सो एक्सपेरिमेंटल प्लगइन्स। तो इस चेक बॉक्स पे आप चेक करेंगे, ये मैंने चेक कर दिया। तो आए अब देखते हैं क्या वो प्लगइन ओपन लेयर प्लगइन हमें नज़र आ रही है, सर्च में उसको दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अब मैं ऑल में चलता हूँ। लें जी, ओपन लेयर प्लगइन आपके पास आ चुकी है। इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली आप इसको इंस्टॉल प्लगइन कर लेंगे। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, देन वेब में जाते हैं। ये आपके पास आ गई ओपन लेयर प्लगइन, जिसमें आपके पास डिफरेंट ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है इसके बाद आपका जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।